आगरा में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी जन्म स्थली बटेश्वर पहुंचे। बता दें कि बटेश्वर में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटी काशी के ब्रह्मलाल मंदिर में पूजा अर्चना की और यहां से वो भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम में आयोजित हुआ, जहां पर वो शामिल होने पहुंचे और इस अवसर पर सीएम योगी ने करीब 148 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी क्रम में सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए नमन कर रहा है और यूपी वासियों की ओर से अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश स्वर्गीय अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय अटल जी को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज अटल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग पहले आए, स्वर्गीय अटल जी की एक भव्य प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया। यहां पर अटल जी की स्मृतियों को समर्पित एक भव्य टूरिज्म सेंटर भी स्थापित हो रहा है, जहां पे अटल जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ उनका म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी और बटेश्वर धाम में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए सभागार भी होगा। इसका भी अवलोकन करते हुए हम लोग आए हैं।